नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैक बेंचर में। आपको मैं बता दूं कि मैं अभी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चे क्या है पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत से मेरे आसपास के लोगों ने बोला मुझे कि आप पढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करते यूट्यूब में पढ़ाता हूँ और मुझे आप सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि ये मेरा मतलब वैसे बोर्ड में पढ़ाने का पहला वीडियो है। सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कांस्टेबल के बैच के लिए, स्पेशली कांस्टेबल के बैच के लिए, एमपी कांस्टेबल के बैच के लिए ये पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसके बाहर आपको एक भी चीज़ नहीं जाएगी। तो तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि जो जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ आप अगर उतना ही पढ़ देते हैं तो आप छुटकियों में कांस्टेबल का बैच, कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो मैंने अभी जो सब्जेक्ट लिया है वो ज्योग्राफी लिया है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका जो हो गया क्लाइमेट हो गया, मतलब पूरे जलवायु, मौसम, गर्मी कब पड़ती, ठंड कब पड़ती, बारिश कैसे होती, कहाँ से मानसून आता है, कब जाता है, आपके पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, वॉलकैनो हो गए, मतलब सारी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द दिख रही है, सूरज, चंद्रमा, कितने ग्रह हैं, कौन किसके चक्कर लगाता है, मतलब सारी चीज़ हम टोटल पढ़ेंगे। तो जो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी आखिर है कैसी। हमारी पृथ्वी, हम मैं बता दूं आपको, गोल है। गोल, अब इसके अंदर क्या क्या है तो आप बोलेंगे यहाँ पे महाद्वीप है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका, मतलब देखा जाए तो ये लैंड है, एक स्थान है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, मतलब ये जितने हैं छोटी छोटी चीज़, इनको सारों को जोड़ दूँ, सिर्फ एक ऐसा बना दूँ, या और अच्छे से बना दे रहा समझने के लिए, स्क्वायर शेप, ये ऐसा। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करी और पता लगाया कि आज से हजारों लाखों साल पहले की बात है कि हमारे जो अर्थ है उसमें सिर्फ एक ही भूखंड होता रहा, मतलब सिर्फ एक ही जो है लैंड होता रहा, इसके अगल बगल सारा ये पानी भरा रहता रहा। चलिए और अच्छे से हम इस फिगर में देखते हैं। इस पे देखिए, ये पूरी हमारी क्या है, अर्थ है। अब अर्थ में सिर्फ एक ही भूखंड रहा, मतलब एक ही स्थान था जहाँ पानी नहीं था, और उसके जो इर्द गिर्द है, जो अगल बगल में सारी जगह पानी पानी था। अच्छा एक बात बताइए, ये मैं पेन लेता हूँ, अगर इस पैन में मैं फोर्स लगाऊं, एक फोर्स मैं ऊपर लगाऊं और एक फोर्स नीचे लगाऊं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने फोर्स बहुत कम लगाया। मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा और फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ? एक हिस्सा ऊपर चला गया, एक हिस्सा नीचे चला गया। वैसे ही इसके साथ हुआ। क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे ताप होता है, दाब होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण क्या होता है, फोर्स अलग अलग लगते रहते हैं। तो वैसे ही इस भूखंड के साथ हुआ, एक फोर्स इसमें ऊपर लगा, एक फोर्स इसमें नीचे लगा, तो ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगा तो ये दो टुकड़ों में बट गया। तो जब ये दो टुकड़ों में बट गया तो एक टुकड़ा ऊपर चला गया, एक टुकड़ा नीचे चला गया। तो चलिए देखते हैं, इनका कुछ कुछ ना कुछ नाम भी रखा गया होगा, जैसे कि पहले ऑस्ट्रेलिया, अभी जो है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप नाम है, वैसे पहले भी कुछ नाम होगा। जी हाँ, तो पहले जो एक भूखंड था उसका नाम था पेंजिया। क्या था? पेंजिया। और इसके जो अगल बगल जो पानी भरा था उसका नाम रखा गया था पेंथालासा, पेंथालासा। आप इसको एक कॉपी में नोट्स बढ़िया बना करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आती है जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब ये दो टुकड़ों में बट गया तो अब इसका भी कुछ ना कुछ नाम रखे होंगे। तो ऊपर वाले का नाम रखा गया अंगारा लैंड, जिसे इंग्लिश में हमने कहा लॉरेशिया। क्या? अंगारा लैंड, जिसे हमने इंग्लिश में कहा लॉरेशिया। और जो नीचे वाला पार्ट रहा उसका नाम हमने रखे गोंडवाना लैंड। जी हाँ, गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ, अगल बगल जो पानी था पहले ही, जैसे ये है, तो ये पानी क्या हुआ, अंदर चला गया, जगह बन गई यहाँ पे, तो पानी अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ उसको हमने नाम दे दिए टैथिस सागर। क्या नाम दे दिए? टैथिस सागर। अब ये वाली कहानी आपको पूरी समझ पे आ गई होगी, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं।